के कुछ मुख्य खबरों पर। सीओ आलापुर ने कहा सभी लोग आपसी भाईचारा बनाकर रखें। आइए जानते हैं पूरी खबर। सीओ आलापुर ने कहा सभी लोग आपसी भाईचारा बनाकर रखें। शासन के मनसा अनुरूप जगह जगह हुई पीसी कमेटी की बैठक। आलापुर क्षेत्र के अंतर्गत जहांगीरगंज थाने में हुई पीसी कमेटी की बैठक, तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हुए उपस्थित। पीसी कमेटी की बैठक को आलापुर सीओ जगदीश लाल टमटा ने अपने संबोधन में सीए के बारे में लोगों को बताया और लोगों से शांति बनाकर आपसी भाईचारे की तरह प्रेम बनाकर रहने की अपील लोगों से करी। आलापुर क्षेत्र के अंतर्गत राय सुल्तानपुर जहांगीर आलापुर जो तीनों थानों पे पीसी कमेटी की बैठक हो रही है, सर इसका उद्देश्य क्या है और लोगों पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है? जैसा कि आपको मालूम है, नागरिकता संशोधन बिल के संबंध में किसी समुदाय विशेष के मन में कोई भ्रम है तो उस भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से थाना स्तर पर जगह जगह पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है और इसमें जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके, विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय के, उन लोगों को इस बिल के जो वास्तविकता है इसके बारे में अवगत कराते हुए उनसे ये एक समाज में इस संदेश को फैलाने के लिए एक मैसेज के तौर पर उनसे अनुरोध किया जा रहा है। जगदीश दुबे का बड़ा बयान आया सामने, आइए जानते हैं पूरी खबर। जगदीश दुबे का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता, कांग्रेस के जिला महासचिव व समाज सेवी निवासी ग्राम सिपाहा तहसील आलापुर अंबेडकर नगर ने बताया कि किसानों का भाजपा सरकार जोरदार उत्पीड़न कर रही है क्योंकि क्रेशर भट्टा पर तमाम अन्य चीजों से प्रदूषण फैला है। किसी पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कोई रोक नहीं लग पा रहा है और किसानों के लिए पराली जलाने पर जुर्माना लग रहा है। ऐसी सरकार का खुर विरोध करते हैं जो किसानों के हित की रक्षा का नहीं सोच सकती। हाँ सर, क्या नाम आपका है? हमारा नाम जगदीश दुबे है। क्या समस्या है आपकी? समस्या हम किसानों की है, पूरे जो है उत्तर प्रदेश किसानों की समस्याएं हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रदूषण के पुट्टे पली जला दिए हैं, उनकी बहुत बड़ी आई, लेकिन जो ये क्रेशर चल रहे हैं, गन्ना पेराई हो रहा है, जो बड़े बड़े भट्ठे चल रहे हैं तहसीलों में, दो दो तीन तीन कुंटल जो लकड़ जला, स्कूलों में जलाया जा रहा, ब्लॉकों में जलाया जा रहा, हर जगह प्रदूषण मौजूदा टाइम में हो रहा, उस पर उनकी निगाहें नहीं जा, किसानों पर ही मुख्यमंत्री आ जा, उनके विशेषज्ञ और नीति के विशेषज्ञ लोग जो हैं पदली के ऊपर तो विशेष ध्यान दिए, लेकिन इन सब चीज़ों ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। अम्बेडकर नगर के सभी विद्यालय 30 दिसंबर तक बंद, आइए जानते हैं पूरी खबर। विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में अंबेडकर नगर जनपद के 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यालय 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी अंबेडकर नगर के आदेश, जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देश में अंबेडकर नगर जनपद के 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यालय 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने आदेश दिए। विद्यालय कड़ाके की ठंड में बच्चे ठिठुरकर स्कूल जाने को विवश थे, मगर समाचार चलाने के बाद डीएम ने यह फैसला लिया। ठंड के समय विद्यालय बंद। अनुप्रिय दर्शनी पुलिस सहित शांति व्यवस्था और ड्यूटी के समय चुस्त दुरुस्त रहने का सख्त निर्देश दिया, ये जानते हैं पूरी खबर। आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस में फोर्स सही, शांति व्यवस्था और ड्यूटी पर चुस्त दुरुस्त रहने का सख्त निर्देश दिया। अंबेडकर नगर जिले के पुलिस अध्यक्ष आलोक प्रियदर्शी ने थाना अलीगंज में उपस्थित पुलिस में फोर्स सही, शांति व्यवस्था और ड्यूटी पर चुस्त दुरुस्त रहने का सख्त निर्देश दिया और कहा कि कड़ाई से नियम का पालन हो, शांति व्यवस्था कायम हो, भाईचारा का सौहार्द बनाए जिससे विकास में प्रगति हो, जिले का मान सम्मान बढ़े। गोविंद साहब मेले में टूट रही है परंपराएं, आइए जानते हैं पूरी खबर। गोविंद साहब के कई गरिमा की परंपराओं को टूटने, अव्यवस्थाओं के इसके चलते गोविंद साहब मेले में टूट रही परंपराएं। अंबेडकर नगर आलापुर तहसील क्षेत्र सिद्धपीठ के तपोस्थली पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मेला गोविंद साहब की कई गरिमा की परंपराओं को टूटने, अव्यवस्थाओं के इसके चलते गोविंद साहब मेले में टूट रही है परंपराएं। मेला कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है। इस मठ की जनहित योग आश्रम के अध्यक्ष बाबा भागुले दास जब से आए हैं यह मेला व्यवस्था में तब्दील हो गया है। यहाँ के महन जो बाहर निकलते हैं न तो ही क्षेत्र के पड़ने वाले मेला वासियों की समस्या और न उनका सरोकार कोई दिखाई पड़ता है। मेले के अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाबा गोविंद साहब मठ का मेला 1 माह से ज्यादा चलता है, जो कि समय गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। लक्सर की
की दाब के कलम गांव में डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। आइए जानते हैं पूरी खबर। लक्सर क्षेत्र के दाव की कला गांव निवासी एक ग्रामीण जसवीर अपनी पत्नी को लेकर प्रसव के चलते आशीर्वाद नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि खून की कमी है, खून लेकर आओ। परिजन डॉक्टर के कहने से खून लेने के लिए पहुंचे, खून लेकर अस्पताल पहुंचे। वहीं डॉक्टर की लापरवाही को देखते हुए बच्चा तो जीवित हो गया, मगर समय पर न होने से बच्चे ने गंदा पानी पी लिया। लगभग बच्चा 8 से 10 घंटे जीवित रहा और उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। परिजनों ने कहा कि हम इसको और अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, मगर उन्होंने इजाजत नहीं दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों ने हंगामा करते हुए कहा कि हमारी छुट्टी कर दो और हम अपनी पत्नी मुकेश को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। नगर शहर में बेमुदर स्तंभ पर बैठे नगर परिषद सफाई कामगार, आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के द्रगत शहर में बेमुदा स्तंभ पर बैठे नगर परिषद सफाई कामगार के बाद निवेदन देने के बाद भी नगर परिषद नहीं ले रही है किसी भी तरह की दखल। द्रगत शहर परिषद की तरफ से शासन निर्णय का हो रहा है गैर वापर। महीना का दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार प्रशासनिक छुट्टी के दिन किए गए काम की मुंह बदला दिया जाए। आश्वासित प्रगति योजना का 10 साल 20 साल तथा 30 पूरे सेवा निवृत्त रिटायर्ड कामगार को यह रोजाना का लाभ दिया जाए। 7वां वेतन आयोग कर तथा पिछला बाकी भी कामगारों के अकाउंट में डालो। 2016 से 31 अगस्त तक का पिछला बाकी पेमेंट का पहला हफ्ता दिया जाए तथा दीपावली को मिलने वाला पेमेंट अभी तक नहीं दिया गया वहाँ भी दिया जाए यदि हमारी यह मांग पूरी नहीं की। आमरण उपोषण का किया इशारा। कलमताकुला में निकाला गया एनआरसी समर्थन मोर्चा, आइए जानते हैं बड़ी खबर। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कलम ताकुला में निकाली गई एनआरसी कदाय समर्थन न्याली। यवतमाल जिला के कलम शहर में नागरिकता संशोधन कायदे के समर्थन करते हुए विविध संगठन के तरफ से कलम तहसील कार्यालय धड़क मोर्चा निकाला गया। मोर्चा की शुरुआत शहीद स्मारक के पास शहर में निकाला गया। नागरिकता संशोधन कायदा के विरोध में देश में विविध भागों में हो रहे हिंसक घटना तथा पुलिस प्रशासन पे हो रहे हल्ले पर इस पर निषेध जताया गया। उड़दा सोशल वेलफेयर और मेडिकल ट्रस्ट द्वारा चलाया गया बेटी पढ़ाओ बेटों को समझाओ अभियान, आइए जानते हैं पूरी खबर। जयपुर के जगदीशपुर गांव में गुरदास सोशल वेलफेयर एंड मेडिकल ट्रस्ट द्वारा चलाया गया बेटी पढ़ाओ और बेटों को भी समझाओ अभियान। 25 दिसंबर को गांव जगदीशपुरा में थाड़ी कलालिया में गुरदास सोशल वेलफेयर एंड मेडिकेयर रिलीफ ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा बेटी पढ़ाओ और बेटों को भी समझाओ अभियान के तहत सास बहु स्वागत सम्मान एवं कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। वृद्ध महिलाओं का भी सम्मान किया गया। अभियान संयोजक रवि कुमार बनेठी ने सामाजिक बुराइयों से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी। बेटी होने पर कुआ पूजन खुशियां मनाने के लिए प्रेरित किया। गांव की वृद्ध महिलाओं ने बेटी होने पर कुआ पूजन करने का आश्वासन दिया। प्रतिज्ञा की बेटी होने पर सभी लोग मिलजुल कर उन पर कुआ पूजन एवं खुशियां मनाएंगे एवं कन्या भ्रूण हत्या बाल विवाह बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए पूरे गांव में पूरी थाली शपथ लेती है। जोधपुर फलौदी में शिक्षकों ने किया एक दिन का धरना प्रदर्शन, आइए जानते हैं पूरी खबर। राजस्थान के जनपद जोधपुर फलौदी में शिक्षकों ने किया एक दिवसीय के धरना प्रदर्शन। शिक्षक ने अपनी मांग को लेकर एक दिन धरना प्रदर्शन आयोजन किया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा फलौदी द्वारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन करके एक दिवसीय धरना दिया गया। SDM को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन लागू करने समान कमेटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने व बकाया DA को लेकर इस धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना में फलौदी जिला शाखा सभी उप शाखाओं के सभी शिक्षकों बड़ी संख्या में भाग लिया। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में हुई जोरदार बर्फबारी, कई इलाके में पौधे ने ओढ़ी बर्फ की चादर। पीलवा राजस्थान के पश्चिमी इलाके में बुधवार रात्रि को जोरदार बर्फबारी हुई, जिसमें रेगिस्तान की जोधपुर जैसलमेर फलौदी बाड़मेर में आज तेज सर्दी देखने को मिली है। वाहन एवं फसलों पर बर्फ की चादर जमी देखी गई। रेगिस्तान के मरुस्थल इलाके में जोरदार सर्दी पड़ने से बुधवार रात्रि का तापमान 3 डिग्री रहा।
औरैया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह मीणा एवं पुलिस अध्यक्ष सुनीता जी, अपर पुलिस अध्यक्ष कमलेश दीक्षित, अपर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, सदर क्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र नाथ ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारी पुलिस बल काफिले के साथ हुआ रवाना। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस एवं PSC फोर्स तैनात रही। खानपुर में व जमाल सहावा आदि जगह पर आज जुम्मे की नमाज अदा होने पर आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की है नजर। औरैया पुलिस अध्यक्ष सुनीति के निर्देश में चलाया गया जागरूकता अभियान। इसी के तहत थाना अध्यक्ष आयान गया प्रसाद वर्मा अपने साथियों के साथ आयान क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल्य गांव में ले जाकर NCR और CAA के बारे में विस्तार से ग्रामीणों वासियों को समझाया। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से अपील भी की और बताया किसी भी प्रकार के झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। UPS चैनल जोधपुर हेड कैलाश विश्नोई पिलवा ने बताया कि लोहावार में लोकप्रिय कांग्रेस विधायक किसाना राम विश्नोई का गांव-गांव जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत मंगलवार शाम को लोहावर क्षेत्र के राजा ला में जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत लोहावर विधायक किसाना राम विश्नोई ने बताया कि आज के युग में शिक्षा के बिना जीवन अधूरा सा है। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को विद्यालय भेजे और शिक्षा से वंचित न रहे। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए UPS News 24 के साथ।